हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप कलौंजी ऑयल बना सकते हैं और उसके यूज से बाल्डनेस और हेयर लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं। इस ऑयल को बनाने के लिए हम कलौंजी सीड्स यूज़ कर रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे हेयर्स की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और बाल्डनेस से प्रिवेंट करते हैं। और साथ में इसमें हम यूज़ करेंगे मेथी दाना। मेथी दाना में पोटेशियम सेलेनियम होता है। इसमें होते हैं कुछ ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स जो हमारे हेयर फॉलिकल को स्ट्रॉन्ग करते हैं और स्कैल्प को हेल्दी रखते हैं। और हम इसमें ऐड करेंगे कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल। दोनों में एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसमें विटामिन ई मिनरल्स और प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे हेयर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। अब एक ग्लास के बॉटल में 2 टेबलस्पून डालिए आप कलौंजी का पाउडर, 2 टेबलस्पून डालिए मेथी दाने का पाउडर। इसमें 100 ml कैस्टर ऑयल और 200 ml कोकोनट ऑयल मिलाकर सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ढक्कन लगाकर कुछ 5 से 6 दिन के लिए तेज़ धूप में रख दीजिए। धूप में रखने से इसमें हीट इन्फ्यूज़ हो जाएगी और ऑयल अपना काम अच्छे से कर पाएगा। अब इस ऑयल को आप जब भी चाहें रात में लगा लीजिए, ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए और मॉर्निंग में शैम्पू कर लीजिए। 15-20 डेज के अंदर ही आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। आपका हेयर लॉस कम हो जाएगा, बालों में एक अच्छी थिकनेस आ जाएगी और आप देखेंगे कि आपको नए बाल आने लगे हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को टू गेट बेस्ट होम रेमेडीज एंड फूड रेसिपीज।